दोस्तों, आजकल हर कोई घर बैठे पैसा कमाना चाहता है और ऐसे में लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर वो खुद से घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, ऑनलाइन ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसे रास्ता बताऊं जो एकदम 100% जेन्यून है, जिससे मैं भी अर्निंग किया और आप भी अर्निंग कर सकते हैं, और एक सॉलिड तरीका बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखिए ताकि आप ये जान सकें कि आप अपने घर से सिर्फ इंटरनेट की मदद से कैसे आप एक जॉब की तरह या एक बिजनेस की तरह बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं एज इनफार्मा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ या वेबसाइट बनाने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क करने की बात कर रहा हूँ। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं, राइट, जब जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं? नो, किसी कंपनी में जा करके आप जो है एक तरह से एक पोस्ट पे एक जॉब करने के लिए वहाँ पे स्टाफ बन जाते हैं, और इसके बाद कंपनी का काम रहता है काम ढूंढ ढूंढ करके आपको देना, और आप काम को कंप्लीट करते हैं, और जिससे ये होता है कि आपको वहाँ पे सैलरी के रूप में पैसा मिलता है, राइट। तो अब मुझे बताइए, काम किसी और का किए और काम करने वाले आप हैं, और बीच में जो मीडिएटर है वो हो जाता है एक कंपनी जिसके यहाँ आप जॉब करते रहते हैं, और लेकिन कंप्लीटली काम किसका कर रहे हैं ओवरऑल? वो है कस्टमर का, कंज्यूमर का कर रहे हैं। अगर यहीं पे कि वो कंपनी के बदले कोई और इंसान या और इंसान के बदले कोई ऐसा मीडिएटर एक सिस्टम आ जाए जिससे कि डायरेक्ट जो है जो आप जिसका काम आप करेंगे वो जो है आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, तो आप काम कर सकते हैं। काम जब भी किसी कंपनी में आप जाते हैं तो आप अपने स्किल के अनुसार वहाँ पे काम करते हैं, ऐसा ही होता है। सपोज डेट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको डिजाइनिंग करना कंप्यूटर से बहुत आता है। अब डिजाइनिंग करना आता है तो आपके लिए बेहतर यही है कि जहाँ पे डिजाइनिंग का काम होता है, जहाँ पे प्रिंटिंग है, जहाँ पे प्रेस है, या इससे रिलेटेड जो है डिजिटल मीडिया में अगर मैं बात करता हूँ, तो जहाँ पे भी जो डिजाइनिंग से रिलेटेड जो काम होता है वहाँ पे आप जाइएगा, उस कंपनी में जॉब कीजिएगा उसके यहाँ, तभी जाके आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, तो लोग आपको खोजेगा कैसे, राइट? यहाँ पे मेनली मैटर ये होता है कि जिसका आप काम करेंगे, जिन लोगों का, उनको आप कैसे खोजेंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे कि अगर जैसे कंपनी बीच में आती है आपके कस्टमर और आपके बीच में, इसी तरह से यहाँ पे एक तीसरा जो सिस्टम आया, चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, लोग डिजिटली वर्क करना प्रेफर कर रहे हैं, तो जो भी काम डिजिटली हो सकता है, पॉसिबल है, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन पॉसिबल है, वो सारे के सारे काम जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग मेथड से कर सकते हैं। अब एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, फ्रीलांसिंग, समझिए। आप लोग जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और इस वीडियो में सीख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करें, बॉस फ्री लाइफ जिए, आप अपने अनुसार काम करें, इनफैक्ट ये भी हो सकता है यहाँ पे आप अपने मतलब अपने नाम पे काम ले लेकर के आप नीचे भी बहुत सारे स्टाफ को रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं, उनसे काम करवा कर करके आप पैसा कमा सकते हैं, और एक तरह से इसको अपना एक खुद का बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझिए कैसे होता है। देखिए दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मत समझना, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीटली मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हैं, किस वेबसाइट से जो है अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो बेहतर होगा, ये सारी बात क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले जनरली अभी पुराने तरीके से लोग अगर काम करना चाहे तो उनको कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है, 9 to 5 वाला जो सिस्टम है उसमें आप जाइए, टाइम से ऑफिस जाइए, वहाँ आपके लिए काम रखा रहेगा, आप काम को कंप्लीट करिए, इसके टारगेट को पूरा करिए, और इसके बाद सामने फिर आ जाइए, ऐसा ही होता है। एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, आपको एक सैलरी मिलता है और इसी से पूरा जीवन यापन चलता है, लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, कंपनी वाले ही अपना सिस्टम चेंज कर। अब कंपनी वाले मान लीजिए कि अगर स्टाफ रखते हैं, आप अपने इंडिया में जानते हैं कि अगर 20 इंप्लॉय से ज़्यादा, मतलब कि अगर आपके कंपनी में सपोज डेट कि आपके पास अगर कंपनी होगा और उसमें 20 स्टाफ है, और 20 से ज़्यादा या 20 के बराबर है, तो आपको हर एक स्टाफ का जो है PF अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब परमानेंट कर्मचारी आपको बनाना पड़ेगा, स्टाफ बनाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे सर्विस और फैसिलिटी देना पड़ता है, मन मुताबिक तुरंत आप हटा नहीं सकते हैं, दूसरे को काम दे नहीं सकते हैं, तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो है असर पड़ता है।
इसलिए कंपनी लोग भी क्या प्रेफर करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया कि अब वो परमानेंट स्टाफ को हायर नहीं करता है, और इसके बदले क्या करता है कि वो फ्रीलांसिंग से मतलब फ्रीलांसर को हायर करते हैं कि पार्टिकुलर काम करवाना है उसको इतना पैसा देना है जितना भी 5 लोग से मिलिए, और 5 लोगों में से जो कम से कम में कर दे, एक तरह से जिसे बिडिंग कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट के सिस्टम में आप लोग टेंडर जानते होइएगा, राइट। टेंडर में क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई काम करवाना है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, जो ठेकेदार होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जाते हैं, अपना अपना बिडिंग डालते हैं, जो सबसे कम में काम को कंप्लीट कर देता है गवर्नमेंट उसको काम दे देती है, राइट। और उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद देखती भी है, भले ही गवर्नमेंट सिस्टम में ऑफिसर के लापरवाही के कारण काम सही से नहीं होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनल सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है। बस यही चीज जो टेंडर सिस्टम है, यही फ्रीलांसिंग के दुनिया में होता है। जिन लोगों को काम करवाना होगा वो फ्रीलांसर वाले या फ्रीलांसिंग वाले वेबसाइट पे आएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, मुझे ये काम करवाना है, वहां पे लोगों को देखेंगे जो जो काम करने वाले हैं, कौन कौन से हैं, अच्छे कौन है, जिनका रेटिंग अच्छा है, सारा कुछ देख लेंगे, और जिनको वो पसंद करेंगे या जो लोग उनको अप्लाई करेंगे उनको एक किसी एक को अप्रूव करेंगे, और इसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो काम किया है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बस सिंपल ये है, और ये तरीका सबसे सॉलिड है, क्योंकि लोग जो है, सपोज कि मैं ही अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आज के डेट में कोई लोगो बनवाना है, मुझे अगर लोगो नहीं बनाना आता है तो मैं कंपनी को खोजूंगा किसी कंपनी वाले को, कंपनी वाले ज़्यादा चार्ज करेंगे, फिर वो अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, बीच में प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग जो सिस्टम आने के बाद, और फ्रीलांसिंग की दुनिया में डायरेक्ट जो है वहाँ पर मैं रजिस्टर करूँगा, अपने काम को बताऊँगा कि मुझे लोगो बनवाना है, लोग जो वहाँ अप्लाई करेंगे कम से कम जो है $5 में लोगो बन जाएगा, और मुझे संस्था में बन गया, लोगो जो बनाने वाला जो लोग होंगे, जो आपके जैसे लोग होंगे, वो क्या करेंगे वहाँ पर कि अगर बहुत सारे लोगों को ग्लोबली पूरे दुनिया से अगर लोग उनके पास आते हैं, वो काम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका जो है एक जॉब से ज्यादा पैसा उसमें कमा सकते हैं। दोस्तों एक बात को पक्का मान लीजिए कि किसी के अंडर काम करने से बेहतर है कि अगर आप डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हैं और डिजिटली आप वर्क कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा वर्क जो कम्प्लीटली डिजिटल डिपेंड हो, डिजिटली आप वर्क करें, जैसे डिजाइनिंग हो गया, इसके बाद जो है आपका बहुत सारे डिजिटल फील्ड में, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम है, किसी का वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो सकता है, तो आपको कस्टमर एक तो ग्लोबली मिलेंगे, दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी तो आपको पैसा वहाँ पर मिलता रहेगा, और ये वहाँ पे एकदम कम्प्लीटली फ्रीडम देता है। अगर आप चाहे तो इसको अपना खुद का भी बिजनेस बना सकते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा स्किल नहीं है, जिनका रेटिंग कम है, और जो लोग चाहते हैं कि वो जो है मतलब नए सिरे से काम करें, तो उनको आप काम दे करके, उनसे काम ले करके, उनके काम को जो है उसमें मॉडिफिकेशन करके और कंप्लीट करके आप दूसरे को सबमिट कर सकते हैं। याद रखिए एक पॉइंट यहाँ पे जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग वाले वेबसाइट पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काम उसी को मिलता है जिसका काम बढ़िया रहता है, जिसका रेटिंग अच्छा रहता है, इसीलिए जब भी काम करें तो काम कंप्लीट करें, तो इतने अच्छे से काम करें कि लोग जो है जो काम आपसे करवाएंगे वो आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दें, आपका जो रेटिंग होगा वो अच्छा रेटिंग दे, ताकि फिर दूसरे लोग जो है आपको काम दे सके। आई होप आप जो है फ्रीलांसिंग के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर फ्रीलांसिंग से आप घर बैठे चाहे तो 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया महीना कम से कम, मैं बता रहा हूँ, आराम से कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास सच में एक अच्छा स्किल होना चाहिए। एनीवे बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जैसे कि fiverr.com हो गया, freelancer.com हो गया, upwork हो गया, इन सब पे आप अगर चाहे किसी एक पे रजिस्टर करके देखिए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है तो शायद ये हिट हो जाएगा ये फार्मूला, और आप जो है लाइफ में टेंशन फ्री रहेंगे, एक तरह से आपका ये करियर ऑप्शन भी हो जाएगा।